एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। ये वो समय था जब विशालकाय डायनासोर हमारी धरती पर राज किया करते थे। इस दौरान डायनासोर की कई हजार प्रजातियां इस धरती पर मौजूद थी, जिनमें से कुछ डायनासोर जमीन पर तेज दौड़कर शिकार करते थे तो कईयों का पानी पर राज हुआ करता था। वहीं कुछ डायनासोर ऐसे थे जो हवा में उड़ सकते थे। ये डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबी लंबी पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें आती थी। जब यह डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। जब यह एस्ट्रॉइड धरती के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर तक हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समान था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे की सारी मिट्टी और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.2 तीव्रता वाले भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इसकी वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से एक के बाद एक तबड़ातोड़ विस्फोट होने लगा, जिसके कारण हर जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाविनाश की बस शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु पत्थर और मिट्टी अंतरिक्ष में गया था, वह ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना लगभग असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजातियां जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से काफी दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और बची हुई 10% जीव वैसे जीव
थे जिनका वजन 30 किलोग्राम से भी कम था, और साथ ही इस महाप्रलय में कुछ बड़े प्रजाति के डायनासोर भी बच गए थे, लेकिन खाने पीने की कमी के कारण वो भी मारे गए। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, वो इस महाप्रलय से कैसे बच गए, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको डायनासोर की दुनिया में जाकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यों से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।